दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे बोरवेल पर अब शिकंजा कसेगा। दिल्ली जल बोर्ड एक अभियान शुरू कर रहा है जिसके तहत अवैध बोरवेल को सील किया जाएगा। पूरी दिल्ली में इसके लिए जीडीबी 16 टीमें गठित करने जा रहा है। दिल्ली में भूजल के अवैध दोहन के संबंध में चल रहे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में मामले भी लंबित हैं। दिल्ली में डीजेबी का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के नियमों के तहत बिना पूर्व अनुमति के भूजल निकालना अवैध माना जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भूजल दोहन के उच्च स्तर के कारण दिल्ली का 41.49% क्षेत्र अति शोषित माना जाता है। मामले को लेकर डीजीबी के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड शहर में अवैध रूप से चल रहे बोरवेलों को सील करने के लिए एक नया अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। जल उपयोगिता ने शहर भर में ऐसे कार्यों की जांच करने के लिए 16 टीमों का गठन किया है। इस टीम में सीलिंग टीमों में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ साथ एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के डीजीबी के कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता शामिल हैं। डीजीपी सीईओ चेष्टा यादव ने 24 जनवरी के एक आदेश में कहा कि प्रत्येक जिले में अभियान की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट और डीजीपी अधीक्षक अभियंता द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।